16वीं शताब्दी में अंग्रेज यात्री भारत में आना शुरू हुए। इसी समय एक बर्निया नाम का यात्री आया 1656 में और 1688 तक वो भारत में रहा। इसने अपना सारा हाल जो है वो अपनी किताब में लिखा। उस किताब को पढ़ने पे भारत के बारे में जो जानकारी मिलती है वो एक ऐसा भारत है जो कितना समृद्ध था इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे वो लिखता है कि सोना और चांदी पूरे दुनिया से घूम के आखिर में आके भारत में इकट्ठा हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो लोग यहां से कुछ खरीदने आते हैं वो तो सोना और चांदी देते हैं, और यहां से कुछ ले जाना होता है वो ले जाते हैं, उसके बदले में भी सोना चांदी आता है। तो यहाँ जो है अधिकतर सोना चांदी इकट्ठा होता है, और सस्ता इतना है कि बर्नियर बंगाल की बात करते हुए कहता है कि बंगाल में भोजन इतना सस्ता है कि 1 रुपए में 10 मुर्गे मिल जाते हैं, चावल सस्ता है, सुअर भी मिल जाते हैं जो लोग पुर्तगाली लोग खाते हैं, और अधिकतर उपनिवेशों के लोग जो डच फ्रांसीसी या पुर्तगाली या अंग्रेज हैं वो अगर वहाँ से भागने के लिए मजबूर हुए हैं, कहीं दूसरी जगह से परेशानी में है, तो बंगाल में आके रहने लगते हैं क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें बहुत सस्ती। बंगाल के बारे में बताते हुए बताता है कि यहाँ सब लोग कारीगरी का अधिकतर बहुत सा काम होता है, रेशम के कालीन बनते हैं, चिकन का काम होता है, जरदोजी का काम होता है, सूती और रेशमी चीज़ें दुनिया भर में यहाँ से जाती हैं। यहाँ तक कि वो कहता है यहाँ से खांड जो है, खांड जो गन्ने से बनती है, वो भी विदेशों तक जाती है, ईरान और अरब तक जाती है, तो व्यापार का वर्णन करता है। कश्मीर के रास्ते चीन से व्यापार होता है, इसका भी वर्णन करता है कि कश्मीर से बहुत सी चीज़ें चीन जाती हैं, व्यापारी लगातार जाते रहते हैं। लेकिन साथ ही ये कहता है शाहजहाँ के कारण ये मार्ग बंद हो गया, तो अब पटना होके चीन जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई नेपाल होते। अब भारतवर्ष में कितना लोग पढ़ते थे उसके बारे में वो काशी का वर्णन करते हुए कहता है कि यहाँ तमाम देश से लोग पढ़ने के लिए आते हैं और सारा समय पठन पाठन में व्यतीत करते हैं, पुराण और वेदों का अध्ययन करते हैं, उसके बाद शास्त्र पढ़ते हैं, और इनके पास बहुत सी छोटी छोटी किताबें हैं जो चिकित्सा शास्त्र की भी हैं और चीज़ों की भी हैं, और ये लगातार पढ़ने में लगे रहते हैं। और उसने ये भी लिखा एक जगह कि उसे एक ऐसा पंडित मिला जो बहुत विद्वान था, और उससे उसे मालूम पड़ा कि शाहजहां द्वारा उसे प्रतिवर्ष 2000 रुपए का सहयोग दिया जाता था, उस समय के 2000 यानी इतना धन मिलता था कि वो जीवन यापन चला सके। ऐसे कुछ पंडित भी थे जिन्हें मुगल दरबार से मदद मिलती थी और वो अध्ययन अध्यापन करते थे, ये भी उसके वर्णन से स्पष्ट होता है। दूसरी बात जो उसने एक खास बात बताने की कोशिश करी है कि बहुत सी जातियां ऐसी हैं जो बादशाह को टैक्स नहीं देती, कर नहीं देती, यानी बादशाह का शासन होते हुए भी नहीं है, तो बहुत सी जातियों का क्षेत्र ऐसा है जो बादशाह को दबाव पड़ता है तो थोड़ा कर दे देती है, नहीं तो नहीं देती। और इसी तरह राजपूतों के बारे में भी कहता है कि राजपूत जो है उन्हें केवल मुगल बादशाह मिला के रखते हैं, लेकिन वो अपने अपने राज्यों में खुद अपना शासन चलाते हैं। उदयपुर के राणा इतने शक्तिशाली हैं कि वो चाहें तो और राजपूत राजाओं से मिलके मुगलों को खिलाफत कर सकते हैं, लेकिन सब ये तीनों मिलके मुगलों की ही सेवा करते हैं। और ये राजपूत राजा जो है पुरु का वंश बताता है उदयपुर के राजा को, और कहता है राजा जयसिंह और यशवंत सिंह और ये सब लोग अगर आपस में मिल जाएं तो ये बहुत शक्तिशाली है। इससे ये भी साबित होता है कि उस समय मुगल सल्तनत का एक क्षेत्र होते हुए भी उसके अंदर बहुत से स्वतंत्र राज थे और स्वतंत्र जातियां भी थी। तो बर्नियर के द्वारा जिस भारत का चित्र रह जाता है उसको समझने की आवश्यकता है। वो विस्तार से शाहजहाँ के चारों पुत्रों की लड़ाई का वर्णन भी करता है और शिवाजी के बारे में भी बताता है कि शिवाजी की ताकत किस तरह से
विकसित हो रही थी और इसका क्या अंतर संबंध था। तो शिवाजी और औरंगजेब और औरंगजेब के पुत्रों के बीच की लड़ाई, इस सब को भी बर्नियर की किताब से समझा जा सकता है ज़्यादा अच्छे ढंग से, बनस्पत इसके जो हमें समझाया जाता है अंग्रेजों द्वारा लिखित इतिहास के द्वारा।